हमारे ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के जितने भी बच्चे हैं, आप सबों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष में आप लोग अपने जीवन में कुछ नई नई बातें सीखिए, कुछ नई नई चीजों को सीखिए, ठीक है। इसीलिए नया वर्ष मनाया जाता है। नया वर्ष मतलब जान लीजिए आपका वही सातों दिन में से एक दिन नए वर्ष का भी होता है, लेकिन इस नए वर्ष को नया वर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि आप अपने जीवन में कुछ नया काम करें, नई चीजें को सीखें और नए बातों को ग्रहण करें। जो पुरानी बातें हैं, जो वैसी हैं, उसे आप लोग अवॉइड करिए, आगे आप अपने जीवन में अग्रसर होते रहिए। हमारे देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम पढ़ लिए तो हम शिक्षित हो गए। हमें घर वाले इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बाद में हमें यहाँ तक उतना हमें नहीं पढ़ना है कि बहुत आगे तक जाना है, बस हमें इतना पढ़ना है ताकि हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार चल सके, ताकि हम बाद में इतना पैसा कमाए कि हमारा परिवार और खुद का पोषण हो सके। नहीं हमें बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन कभी भी हमारे कामों से हमारे परिवार को शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े, हमें ऐसा काम करना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ लिख के कोई सरकारी जॉब पा जाते हैं तो आप अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और जब आप एक बार आत्मनिर्भर हो गए तो आप अपना भी खर्चा चला सकते हैं, अपने परिवार का भी खर्चा चला सकते हैं। इसीलिए जहां तक कोशिश करिए, हमें इतना सफल होना है कि हमारा परिवार कभी भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार चले, तब आपको माना जाएगा कि आप अपने जीवन में सफल हुए हैं। इसीलिए एक भोजपुरी में कहावत है, जबले बसुआ खूब कमेगा, घर में ऊंचा पटरा परिवार, बाद में जलवा हो गई पर घर से दुदकारा जलवा। अगर आप सफल नहीं है तो आपका कोई अपना नहीं है, जान लीजिए। आपके माँ बाप आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप कभी बाद में अगर हम वृद्ध हो जाते हैं तो ये बच्चा जो हमारा है हमारा भरण पोषण करेगा, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इरादे हो जवा जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुसाफिर के लिए हर आदमी आधी नहीं होता, महल को छोड़ के कच्चे मकान में रहना पड़ता है, चरखा चलाने वाला व्यक्ति गांधी नहीं होता। आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।